प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा जन शिक्षा केंद्र में ज्ञापन दिया गया। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए कि कुछ शासकीय विद्यालय के शिक्षकों द्वारा भौतिक रूप से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को बुलाकर अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। सरकारी स्कूल के द्वारा हमारे स्कूल के विद्यार्थियों को बरगला कर या भ्रमित कर एडमिशन देने की बात कही गई। बच्चों के माता पिताओं के ये भी कहा जाता है कि शासन की एक योजना आई है जिसमें गांव के बच्चे गांव में ही पढ़ेंगे, तथा एक योजना ये भी बता रहे हैं कि आप प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। जब शासन के नियम प्राइवेट एवं शासकीय स्कूलों के लिए समान है तो ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का ये भी कहना है कि ऐसी भ्रामक जानकारियां फैलाकर हमारे एडमिशन शासकीय स्कूलों में करवाए जा रहे हैं। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र मां की खास रिपोर्ट। एक्चुअल में कुछ शासकीय विद्यालय के शिक्षकों द्वारा भौतिक रूप से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को बुलाकर अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। हम लोग उसके संबंध में यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं कि जब शासन के नियम प्राइवेट और शासकीय स्कूलों के लिए समान है तो ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। अभी आपने जो आवेदन दिया है ये मूलतः जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है इसके लिए या एडमिशन के लिए भी कुछ? एडमिशन के लिए भी है कि एडमिशन जो है भ्रमित करके जो है कहीं ना कहीं शिक्षकों द्वारा एडमिशन दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि शासन की एक योजना आई है उसमें गांव के बच्चे गांव में ही पढ़ेंगे। एक योजना ये भी बता रहे हैं कि अब यदि आप प्राइवेट स्कूल में अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे तो उसको लाडली लक्ष्मी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसी भ्रामक जानकारियां फैला के और हमारे एडमिशन जो है शासकीय स्कूलों में हमारे बच्चों के करवाए जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के द्वारा जो आज ज्ञापन दिया गया है उसमें ये बताया गया कि प्राइवेट सरकारी स्कूलों के द्वारा भ्रामक जानकारी दी जा रही है एडमिशन के संबंध में, तो यदि इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती है तो उसकी हम वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना करके इसकी जाँच कराई जाएगी। और ऐसे जैसे बताया गया था कि स्कूलें हमारी चल रही है तो शासन की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हमारी सभी स्कूलें बंद है अभी। और जब यदि बच्चा कोई आता है स्कूल में एडमिशन के लिए आ सकता है या फिर गणवेश वगैरह वितरण हम लोगों ने करवाई है उस संबंध में बच्चे आए होंगे, लेकिन ऐसी कहीं पर विशेष परिस्थिति हमको देखने में नहीं आई अभी तक। सर उनके द्वारा प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर द्वारा कहा गया है कि हमारे बच्चों को पढ़ाया भी जा रहा है और एडमिशन भी दिया जा रहा है जो गलत है। अच्छा, ऐसी यदि शिकायत कहीं पर हमें प्राप्त होती है तो हम उसके विरुद्ध उन शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे।